जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी है सुरक्षा एजेंसियों का वार। श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। श्रीनगर में एनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक अधिकारी घायल, सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को खाली कराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, नरबल में लश्कर कमांडर का करीबी सहयोगी गिरफ्तार। बडगाम का रहने वाला है नदीम अबरार, लश्कर कमांडर यूसुफ कांतरू के सहयोगी के साथ कई हत्याओं में है शामिल। जम्मू पहुंची एनएसजी की टीम, एयरफोर्स स्टेशन में धमाके की जांच की संभाली जिम्मेदारी। कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास फिर दिखे ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की तो फौरन गायब। कालूचक इलाके में ड्रोन देखे जाने के बाद बढ़ाई गई पूरे इलाके की सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद एसपीओ फैयाज अहमद के जनाजे में उमड़ा हुजूम, लोगों में आतंकी वारदात को लेकर गुस्सा दिखा। आतंकी हमले में फैयाज अहमद की पत्नी और बेटी की भी मौत, घायल बेटी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। शहीद परिवार के घर पहुंचे कश्मीर के आईजी विजय कुमार, कहा हत्या के लिए दो विदेशी आतंकी जिम्मेदार। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, राज्य में आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ हंगामा। कश्मीर में लव जिहाद के खिलाफ जारी है सिख समुदाय का गुस्सा, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। सिख समुदाय ने गृहमंत्री से लगाई गुहार, अमित शाह से मुलाकात कर सकता है प्रतिनिधिमंडल। की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कश्मीर में लव जिहाद के मसले पर महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता, कहा जांच करें सुरक्षा एजेंसियां। कश्मीर में दो सिख लड़कियों को अगवा करके धर्म परिवर्तन का आरोप है, विरोध बढ़ने पर माता पिता के पास लौटी एक लड़की। कल श्रीनगर में फिर होगी गुपकार गुट की बैठक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मोड़, बंगाल के गवर्नर पर सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को बताया भ्रष्ट, बोली 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में उनका नाम था। ममता बनर्जी के आरोपों को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया बेबुनियाद, बोले किसी चार्जशीट में नहीं है मेरा नाम। राज्यपाल ने ममता के आरोपों को झूठ बताया, बोले उनसे नहीं थी ऐसी उम्मीद, उन्हें मानता हूं छोटी बहन। पटियाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए नवजोत सिंह सिद्धू, कल राहुल और प्रियंका से मुलाकात कर सकते हैं। मिशन पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने चला फ्री वाला दांव, कहा सरकार बनी तो दिल्ली की तरह मुफ्त में मिलेगी बिजली। कल फिर पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार पर लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं देने का आरोप। मिशन 2020 को लेकर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, कहा समाजवादी पार्टी की राह पर है सत्तारूढ़ पार्टी। अगले साल होने वाले चुनाव के लिए मायावती ने नारा दिया, कहा यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। अहमदाबाद पहुंचे चिराग पासवान, सूत्रों के अनुसार बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की। बीजेपी के नेता के साथ आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? पर्सनल ट्रिप। भड़काऊ भाषण के आरोपों को लेकर मिथुन चक्रवर्ती से फिर हुई पूछताछ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस ने दागे सवाल। यूपी में मायावती और ओवैसी के गठबंधन के कयासों को ओपी राजभर ने किया खारिज, कहा नहीं चल रही ऐसी कोई बात। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा, पुलवामा की तरह आतंकी हमला बताया। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे? ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। केंद्र सरकार ने किया 6.25 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान, कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की गारंटीड स्कीम। कोविड से त्रस्त क्षेत्रों को सरकार ने लगाया राहत का टीका, स्वास्थ्य टूरिज्म और छोटे कारोबारियों को मदद। हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद, टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए का लोन। मुफ्त में जारी किए जाएंगे पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा, 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी स्कीम। केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का किया विस्तार, 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी स्कीम। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत की खबर, अगस्त से शुरू हो सकता है 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन।
देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,148 नए मरीज, एक दिन में 979 लोगों की जान गई। उज्जैन में आज से फिर भक्तों के लिए खुला महाकाल का दरबार, कोरोना के बढ़ते संकट के दौरान किया गया था बंद। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 5 जुलाई तक रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में अनलॉक का 5वां चरण आज से लागू, शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत। राजस्थान में आज से खोल दिए गए धार्मिक स्थल, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह 2 महीने बाद खुली। 3 दिनों के लेह लद्दाख दौरे पर हैं राजनाथ सिंह, सेना की तैयारियों का जायजा लिया, सैन्य कमांडरों से मुलाकात। लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में लेफ्ट छात्रों का विरोध प्रदर्शन, वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े को लेकर हंगामा। वडोदरा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन, भारत माता की जय बोलने वालों को मुफ्त में दिया पेट्रोल। पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर इंदौर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, दिग्विजय सिंह के पुतले को नाली में डुबोया। पंजाब के फरीदकोट में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हंगामा। पठानकोट में रोडवेज के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल, मांगे पूरी न होने के चलते किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान पर ईडी ने कसा शिकंजा, जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। 12 जुलाई तक बढ़ी प्रदीप शर्मा समेत 3 लोगों की न्यायिक हिरासत, एंटीलिया केस में मुंबई के एनआईए अदालत का फैसला। लाल किला हिंसा मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गुरजोत सिंह पर रखा था 1 लाख का इनाम। एम्बुलेंस कांड में कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी, बाहुबली ने सीजेएम से मांगी बांदा जेल की बैरक में टीवी की सुविधा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 126 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद, 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। आगरा में 2 करोड़ की फिरौती वसूलने के लिए दोस्त का कत्ल, दोस्तों ने पीपीई किट पहनाकर कर दिया अंतिम संस्कार। आगरा में सचिन चौहान हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को दबोचा, वारदात में इस्तेमाल कार और दूसरे सामान बरामद। दिल्ली में बेटे ने अपने ही मां बाप को चाकू से गोदा, पिता की मौके पर मौत, मां की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 बुजुर्ग रिश्तेदारों के बीच जमकर चले लात घूंसे, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। जोधपुर में 1 करोड़ की सिगरेट चुरा ले गए चोर, मिनी ट्रक में आए थे सेंधमार, सीसीटीवी में तस्वीरें। सिंगरौली में एक युवक ने लाठियों से पीट पीट कर की पिता की हत्या, घरेलू कलह के चलते वारदात। वाराणसी में सड़क निर्माण में लापरवाही से 1 डॉक्टर की मौत, स्कूटी स्लिप होने पर पीछे से आ रही सीमेंट मिक्सर लदी गाड़ी ने रौंदा। रीवा में एक घर से महिला की लाश मिलने से हड़कंप, लिव इन पार्टनर ने हत्या कर रसोई में दफनाया शव। मुजफ्फरनगर में एक घर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, कमरे में कुंडे से लटका मिला शव। पंजाब के पठानकोट में एक युवक का मर्डर, मामूली झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया। प्रयागराज में खेत में मिली बच्चे की लाश, जमीन के विवाद में पड़ोसियों पर शक, कल रात खेलते समय हुआ था गायब। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धौलपुर में बवाल, करीब 2 घंटे तक हाईवे पर जाम लगाया। डीडीयू जंक्शन पर 6.5 किलो सोने के साथ 2 युवक गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2.5 करोड़ है कीमत। मथुरा में धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव वालों का हमला, आरोपी को भी छुड़ाया। रीवा में मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान ने फांसी लगाकर जान दी, प्रेमिका के शोषण की हो रही थी विभागीय जांच। पश्चिमी यूपी में झमाझम बरसात, मुरादाबाद में पानी जमने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। जोशीमठ में हाथी पहाड़ पर भारी भूस्खलन, फिर ठप हुआ बद्रीनाथ हाईवे। बिहार के दानापुर में भारी बरसात ने मचाया कोहराम, पुलिस चौकी में घुसा पानी। कर्नाटक के रायचूर में भारी बारिश से हड़कंप, पानी में डूब गए सैकड़ों घर। मध्य प्रदेश के धार में बारिश की कमी ने लोगों को किया परेशान, गांव वालों ने किए टोने टोटके। जामताड़ा में भारी बारिश से भर गया है 30 फुट गहरा कुआं, जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं बच्चे। 189 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,735 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 45 अंकों की कमजोरी के साथ 15,814 पर निफ्टी बंद। चोरी के गहने पकड़ने के लिए अब ज्वेलरी की भी होगी यूनिक आईडी, जुलाई से आधार की तर्ज पर यूनिक पहचान जरूरी। भारत के गैर बासमती चावल को विदेशों में लगातार मिल रहे नए बाजार, अफ्रीका और चीन के बाद बांग्लादेश को भी किया जाएगा निर्यात।
कॉमर्स कंपनियों पर फिर लगे एफडीआई नियमों को तोड़ने के आरोप। पीयूष गोयल बोले, मसल और मनी पावर का हो रहा है इस्तेमाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ। दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा आधार और पैन। रेलवे जल्द लागू करेगा नया नियम। सरकार ने पुरानी कारों में फ्रंट सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 4 महीनों के लिए टाला। 31 दिसंबर तक की मियाद। स्कॉडा ने सोमवार को भारत में लॉन्च की अपनी नई SUV कुशाक। 10.5 लाख है शुरुआती दाम। विदेशी गेमिंग एप्स को टक्कर देने के लिए एक युवक ने तैयार किया रिवॉर्ड आधारित गेमिंग ऐप डम्बरू। टैलेंट पहचान कर खेल खेल में मिलता है रिवॉर्ड। BCCI ने कोरोना के चलते UAE में शिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप। ICC को दी गई फैसले की जानकारी। 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है वर्ल्ड T20। ICC फाइनल करेगा पूरा शेड्यूल। ओलंपिक से पहले भारत के लिए गुड न्यूज। राही सरनोबत ने क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। यूरो कप में वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम ने दिखाया दम। डिफेंडिंग चैंपियन पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया। नेदरलैंड्स को हराकर चेक रिपब्लिक ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब डेनमार्क से होगा चेक गणराज्य का सामना। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कम किया वजन। वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में कयासों का दौर। वेस्ट बैंक के बेथलहम में हिंसक प्रदर्शन। बेकाबू प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत। स्पेन के किंग फिलिप ने के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। बार्सिलोना की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जोरदार विस्फोट 7 लोगों की मौत 50 घायल। दुनिया में 18 करोड़ 18 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 39,39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की तीसरी लहर से हड़कंप। राष्ट्रपति ने 14 दिन के लिए आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया। मलेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बिगड़े हालात। 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। अर्जेंटीना में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि। 90,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। इंग्लैंड में मनोरंजन उद्योग और नाइट क्लब खोलने की मांग। राजधानी लंदन में नाच गाकर प्रदर्शन। अमेरिका के ओरेगॉन में भीषण गर्मी से कोहराम। पोर्टलैंड शहर में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।